हेलो फ्रेंड, फेमस टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि फाइनली अनुज वापस आ जाएगा अपनी अनुपमा के पास। और जैसे ही अनुज को पता चला कि उसके जाने के बाद अनुपमा पर क्या गुजरी है, लोगों ने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ, और जैसे ही बात अनुपमा के मान सम्मान के ऊपर आई तो अनुज ने किया यहाँ पर सबसे बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, अपनी अनुपमा के लिए अनुज ने डिंपल को दिया करारा जवाब। जो डिंपल खुद अनुपमा की वजह से कपाड़िया हाउस में रह रही थी, जिस अनुपमा ने उसे अपने घर में पना दी थी और उसी सहारा दिया था और जस्टिस दिलवाया था, उसी के लिए लड़ी थी दुनिया से, उसी डिंपल को अब उसकी असली औकात दिखाएगा अनुज। उसे धक्के मार कर अपने कपाड़िया हाउस से निकाल बाहर खड़ा करेगा अनुज। अनुज अहमदाबाद वापस आ गया है और उसने अहमदाबाद आते ही सबसे बड़ा काम कर दिया है। अनुज सबसे पहले डिंपल की क्लास लगाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा काम करने की, और मैंने ऐसा सपने में कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा काम करोगी, वो भी मेरी अनुपमा के साथ। तुम इतनी बड़ी एहसान फरामोश निकलोगी, मेरे और अनुपमा के बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारा खुद का पर्सनल मैटर था। मेरी अनुपमा के साथ कोई कुछ गलत करे ये हक ना तो मैंने खुद को दिया है और ना किसी और को। फिर तुमने किस हक से मेरी अनुपमा की डांस एकेडमी पर हक जताया अपना? तुमने मेरी अनुपमा की साथ किस हक से इतना गलत किया? जिस इंसान ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, जब तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया था, अरे तुम्हें तो अनुपमा के इस मुश्किल वक्त में उसको इनकरेज करना चाहिए था, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी। उल्टा तुमने उसकी हिम्मत तोड़ी, उसकी डांस एकेडमी छीन ली। मेरी अनु का दिल कितना बड़ा और अच्छा है, उसने अपनी एकेडमी भी तुम्हें दान में दे दी और बिना कुछ कहे चली गई। तुम्हारी वजह से मेरी अनुपमा की आंखों में आंसू आए, तो मैं तो तुम्हें अब अपने घर में और रहने नहीं दे सकता, क्योंकि जो तुमने मेरी अनुपमा के साथ किया है उसे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी बड़ी गलती की कोई माफ़ी भी नहीं हो सकती। तो वहीं दोस्तों, डिंपल की इतनी लंबी चौड़ी जुबान अनुज के सामने नहीं चल पाती है, वो चुपचाप अपना सामान उठा के निकल जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनुज ने बिल्कुल सही किया डिंपल के साथ? डिंपल की अकल ठिकाने लगानी ज़रूरी थी। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।